जी फ्रेंड्स, मैं आ रही हूँ। आप थोड़ा सा खाना, कुछ थोड़ा सा पेट पूजा भी हो जाए यहाँ पे। अरे ये कौन है? अरे उस्मान बुज़ार साहब, आप यहाँ? ओहो, मुंह क्यों छुपा रहे हैं? ओए आप यहाँ, आपने मुझे यहाँ भी पहचान लिया है। उस्मान बुज़ार साहब, आप CM पंजाब हैं, कोई चाय वाला नहीं है जिसे मैं पहचान ना सकूँ? आपको तो पहचान नहीं है मैंने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं जी। अक्सर बातें आप सोचते नहीं हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप ये लंगर खा रहे हैं यहाँ पे? अरे भाई, ये तो हमारे मेहमानों के लिए, आप तो मेज़बान हैं, आप क्यों खा रहे हैं? मैं ये हालात का जायज़ा ले रहा हूँ जी। अच्छा। अपने मेहमानों को जो खाना सर्व करना है उसका टेस्ट कैसा है। अच्छा। लोगों को अच्छा टेस्ट खिलाना है ना जी। अच्छा। ताकि मेहमानों को कोई शिकायत ना हो जी हमारे से। अच्छा, तो ये क्या है खाने में, क्या क्या खा रहे हैं आप? स्पेशल शामी कबाब मैंने आपके लिए मंगवाया है जी। जरा टेस्ट तो करें। बहुत ये क्या हुआ, आप इतना मजेदार खाना है और आप खा ही नहीं रहे। अच्छा, तो मुझे ये बताया, आपको किसी ने बताया ही नहीं कि आप पूरे सूबे के वजीर आला हैं? मैं रोजाना सुबह उठ के देखता हूँ जी, किसी न किसी टीवी चैनल पे कोई ना कोई मुझे आप जैसी खूबसूरत हसीना याद करवा देती है कि आप वजीर आला हैं जी। अच्छा जी, और देखें मैं कितना भोला हूँ उसकी बात मान जाता हूँ जी। वाकई जी, आप बहुत भोले हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो चीनी का क्या हाल है? चीनी हमारे दोस्त हैं जी। ओहो, मैं वो वाली चीनी की बात नहीं कर रही, मैं दूसरी चीनी, खाने वाली चीनी की बात कर रही। ओहो, वो शुगर? हाँ शुगर, वो तो शरेआम रोल रही है जी बाजारों में, गलियों में, सड़कों पे। लाइक तो बुज़दार साहब आज नहीं आते। बुज़दार साहब, चीनी इतनी महंगी होगी फिर भी नहीं मिल रही है। और आपको पता है यहाँ के लोगों का फैशन है कि जो चीज़ महंगी हो जाती है ना उसको वो खरीदना पसंद करते हैं, और उसकी वजह से फिर शॉर्टेज हो जाती है। चले ठीक है, आप आराम से यहाँ पे पेट पूजा करें, मैं जाती हूँ, मुझे भी कुछ खाना है। नॉट आउट जी, नॉट आउट, आप जरा ये टेस्ट तो करें। आपके नहीं, नहीं, ये शामी सिर्फ आप? नहीं नहीं नहीं, ये आपकी थाली? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बुज़दार साहब, मैं जाऊँ फिर यहाँ से? नहीं नहीं, आप रुकें जी, अभी हमारे देखें, ये हमारी आवाम आ गई है हमारी खिदमत करने के लिए। हाँ, मैं कहती हूँ इतने सारे आवाम आ गए अभी तो जी। हमारे CM साहब ने इतना अच्छा अरेंज किया हुआ है, और इमरान खान ने वाकई ये मुसनकत तब्दीली का, ये हमारे CM साहब इनको बोले इन्होंने सारा? हाँ जी, ये CM साहब ने जितना भी किया है ना, बहुत अच्छा अरेंज किया है और वधिया किया, और अभी भी इन्होंने खाना खुद भी खाया है और बड़े मज़े से खा रहे हैं। इतना अच्छा खाना अरेंज किया हुआ है। हाँ। और जितनी भी हमारी इधर संगत है, दूसरी भी संगतें हैं, वो सारा बहुत अच्छा पसंद कर रही हैं CM साहब को। अच्छा, CM साहब कितने सादा इंसान है ना, सब में बैठ के खा रहे हैं, है ना जी? जी जी, कितना सादा CM है हमारा। बहुत सादा है भाई, पहले तो हमने पहचाना नहीं CM साहब को कि CM है या कोई, फिर ऐसे घूमने लगे, साईं को इधर उधर देखने लगे, यार तो ये तो CM साहब है, बुर्दा साहब। अरे रोटियां आ रही है CM साहब के लिए। साईं खान जी, और ये देखे गर्म गर्म फुल्का खा रहे हैं हमारे CM साहब, और हमारे जैसे खा रहे हैं, जैसे हम हमारे से ये हैं लोग, है ना? हाँ जी, ये CM साहब ने जी, कोई मसला हो तो बता दे इनको। नहीं, नहीं। मीडिया वालों सुन लो, हाँ जी, तमाम हमारे से कितनी मोहब्बत करती है। और CM साहब ने ये देखे इंतजाम तो, इंतजाम तो बढ़िया किया है, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया किया। हाँ जी, CM साहब के इतने सारे फैन आ गए यहाँ पे, और हमें तो पता ही नहीं चला ये हमारे CM है जी। हम तो इनको वेलकम करते, इनकी शक्ल ही ऐसी है ये लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये कोई ये हमारे भाई बड़ी अथॉरिटी के बंदे हैं। यकीन करें, मुझे इतनी खुशी हो रही है हमारे पंजाब के CM, जब इधर देखा तो मैं तो दंग रह गया। हम भी दंग रह जाते हैं इनको देख के। जो पुराने खादिम आला है ना, उनकी तरह शोबाज नहीं है, हम सादा लोग हैं। आप मुझे बताएं, लोग हैं और पहले पहले वाले CM ठीक थे? नहीं नहीं, ये हमारे जो CM है इन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। अच्छा। ये देखे हमारी सिख संतों के लिए कितना बड़ा रेंज किया। अच्छा। और हमारा इतना बड़ा देना है कि हम सोच नहीं सकते, और हमने पहचाना ही नहीं है जी हमारे पाकिस्तान पाकिस्तान पंजाब के CM साहब उस्मान बुज़दार साहब जिंदाबाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। CM पंजाब। आप मीडिया पे सिर्फ उल्टी उल्टी
खबरें चलाते हैं, ये है आवाम उल्टी पुल्टी खबरें चलाती हैं। जिंदगी आवाम, ये देखी पूरा पाकिस्तान मुझे वज़ीर-ए-आला समझता है, पूरे पाकिस्तान की आवाम मुझे वज़ीर-ए-आला समझती है। इतने इनोसेंट है कि किसी से पता ही नहीं चलता। अच्छा मुझे ये कोई बताए कोई इनका काम क्या होता है, सीएम करता क्या? सीएम वो कह रहे सिर्फ खाना खाता है। ये देखे इतना बड़ा है, खाना हमारे साथ खा रहे हैं। ये देखे हमारे साथ खाना खा रहे हैं। और आप हमें को छोड़ ही नहीं थे। ये तुम्हारे देखे टेबल लगा हुआ है जो हमारे साथ मिल गए खाएगा। हां जी सीएम साथ खा रहे हैं हमारे। ये देखे ये देखे जिंदाबाद सीएम पंजाब जिंदाबाद जनाब सीएम साहब जिंदाबाद। ये देखो ये देखो क्या नाम है आपका? मनप्रीत सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब बठिंडा से आया हूँ, इंडिया से। बठिंडा से आए हैं तो पंजाबी तो सुनाया सर आपने? बिल्कुल पंजाबी बोलेंगे जी। अच्छा तनु पता है कि तुम्हारे नाल जो जनाब खलोते ने कौन है? नहीं मैनू नहीं पता। ये आपको पता नहीं है इनका जो दबदबा है ना पूरा पंजाब है इनके अंडर। ये सीएम पंजाब है। ओ सर थैंक यू। Good to see you sir. Thank you. खुशी दर्शन लगा साड़ा पंजाब तुहानू। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। इत्थों दे लोगां नाल मिल के तुहानू किस तरह फील हो रहा? कोई फर्क नहीं फील हो रहा, उल्टा ये फील हो रहा कि जो भी मिलता सी एवरीवन यूज टू से कि तुसी तुहानू पानी मिल गया, कमरा मिल गया, फूड मिल गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सानू दसो। इवन चलो गुरुद्वारा साहब तो श्रद्धा होंगी है, अगर असी लोग बाजार गए सी तो मार्केट दे विच भी पीपल वर कि कुछ चाहिए दसो, असी छड़ के आईए, असी लैके आईए, कुछ चाहिए पानी वास्ते, हर चीज़ वास्ते, दे वर वेरी प्लस सेफ्टी सिक्योरिटी या जो पुलिस दी इंतजाम है वो बेस्ट है। अच्छा कोई 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 गलती हुई है ना तो दसो इन्हों खलोते ने सीधा कर देंगे सारे नू? नहीं सानू कुछ इदा का फील ही नहीं होया। इनफैक्ट सानू ये फील हो रहा कि यह रेगूलर आना चाहिए तो सबनों आना चाहिए। जोड़े लोग इंडिया फील स्केर्ड ना शुड नॉट बी एट ऑल। आपको पता है जो हमारे ये सीएम साहब है सीएम पंजाब, इन्होंने पूरा लंगर टेस्ट करके इन्होंने चेक किया है कि ये कोई गलती ना हो उसमें। क्या बात है, क्या बात है। कोई किसी सीएम को आपने देखा है कभी इतना खाते हुए? खा के चेक किया वो चीज़ हमें हर चीज़ में नज़र आ रही है कि पर्सनल टच है। क्योंकि ऐसा सिर्फ अपने मेहमाना वास्ते टेस्ट किया है कि उन्होंने कोई गलत चीज़ ना खवा दे, अच्छी चीज़ खवानी चाहिए अपने मेहमाना। तुम साढ़े को लाहौर आओ, असी तुहाडी मजीद सेवा करिए, तुहाडी खिदमत करिए। तुहानू पंजाब कैसा लगा, लाहौर दा पंजाब? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा ऐ जड़ी साडे दरमियान इक पंजाबी ओ थोड़ी जी रुखी है, सॉरी टू से। अच्छा मैनू उत्थे वाले ने हुण बुरा भला ही कहना, बट फ्रेंकली स्पीकिंग इत्थे बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैगे आ लोग एंड बहुत पोलाइट पंजाबी है। तो लंगर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा तो कौन कौन आया फैमिली में? हम अपने अपने मंडल से आए हैं। फ्री। अरे वाह देखे आप कितना अच्छा इंतजाम है की फ्री, यानी की पूरी तीन बसेस जो है वो भर के आई है यहाँ पे, तो यानी की सारी फैमिली आई है फिर उसका मतलब है? हम दोने आए हैं। तो घर में घर घर में किसी को छोड़ के आए हैं? ताला वाला लगा के आए? नहीं नहीं माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है। अच्छा हाँ कुछ हम आए कुछ हमारे घर आए। अच्छा हाँ सही है सारे जेकबाद के आए हैं ना, सारे मंडल के। अच्छा। सारे जेकबाद के शहर के आए हैं। अच्छा जी सारे शहर के सारे आए हैं। लो जी जेकबाबाद के सारे ही आ गए हैं लोग यहाँ पे, तो जेकबाबाद में कौन होगा फिर हैं? हमारे गुरु हमें शिकायत करना सिखाया भी नहीं। लोग शिकायतें करते हैं, आवाम हमारे लिए कोई शिकायत नहीं करती, ये मीडिया वालों ने सिर्फ शिकायत की है, आवाम हमारे से खुश हैं। अच्छा जी हाँ जी बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच जी, जीते मुबारक दे दो जी। अच्छा जी तुसी कैनेडा तो आए, तुम्हारा नाम की है? जी मेरा नाम दीपेंद्र सिंह है जी। असी दीपेंद्र सिंह असी 2019 भी आए सी, बहुत वड्डा ग्रुप लैके जो 550 सी इत्थे सी। इस बारी ग्रुप छोटा कैनेडा दा वीजा लवा के दवो। असी साडे वालों आप साडे वालों असी इन्हां नूं इनविटेशन भेजांगे जी, साडे मेहमान होणगे। वीजा की जिहड़ी इत्थों दी हुकूमत है ना जी, ए मैनूं बाहर नहीं जाण दे रहा।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢੋ ਗੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਾਪ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇ ਆਇਆ ਨਾਟ ਆਊਟ ਜੀ ਨਾਟ ਆਊਟ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਖੁਦ ਬਤਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਓ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਪ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਆਰ ये हमारे भाई हैं हमें ये तरीका बताएंगे प्राइवेट जेट है आप जब मर्जी जा सकते हैं प्राइवेट जेट है आप ऐ सानू लेके जानगे फिर असि लेके जावांगे जी असि तुहानू इनवाइट करांगे तुसी माशाल्लाह जी सर तुसी सानू जान नहीं दिंदे मीडिया वाले साडे पीछे ही लगे रहंदे ओए देखो साडे प्यारे भाई सन कनाडा भी लेके जान तो यार अच्छा चलें कनाडा के जो है प्राइम मिनिस्टर उसका नाम बता दें ये इनसे पूछें जी जस्टिन ट्रूडो जी आपको जस्टिन ट्रूडो का नहीं पता पता था जी वैसे मैं तो कह रहा हूं इनसे पूछेंगे वो हमारी मेहमान है अच्छा कनाडा का फ्लैग बताएं उस पे वो निशान क्या बना हुआ जरा बताएं आप बताएं ना उनसे क्यों पूछ के बता रहे हैं वो मेरे मेहमान है ना जी इनसे पूछना है आप उनसे ज्यादा बातें करें मैं तो हर वक्त आपके साथ होता हूं इनको बताएं जी प्लीज कुछ जी मेपल लीफ होना है मेपल लीफ है ये है ठीक है पता चला आपको यही मैं कह रहा था अच्छा जी यहां पे हमारे पास सिख यात्री आए हैं भारत से हां जी नमस्ते नमस्ते जी सत श्री अकाल श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह मैं इंडिया चों पटियाले जिले दे विचों धूड़ पिंड तों आया जी देखो हुण जिहड़ा अमीर है वह तो आ जाता जी पैसे खर्च के जिहड़ा गरीब है वह नहीं आ सकता जी जो ऊरां तों गए हुए ने गरीब ने उधरों भी आए हुए ने गरीब उरले गरीब उधर नहीं जा सकते उधरले गरीब इधर नहीं आ सकते है ना जी तो उहनू मैं दोए सरकारां दा धन्नवाद करदा तो इंडिया सरकार का जी मोदी साहब का जी पाकिस्तान के अरबरान खान का भी इनू आप च इन्ना प्यार बधाओ जिवें सानू उरे लोग हैलो कर रहे ने जी किन्ना प्यार दे रहे ने इन्ना मैं कहना घरें भी नहीं मिलता जी तो उहनू तुसीं थोड़ा जिहा गरीबां वास्ते सोचो भी वह घट कर दो उहनां वास्ते कोई सबसिडी दे दो वह गरीब उरले उधर जा सकन उधरले उरां आ सकन जी ठीक है जी तो यह इन्ना बहुत बहुत धन्नवाद है जी मैं कहना असी उरे अरदास करके जावांगे भी साढ़े बच्चे इन्ने दूर चले गए ये तो अज जे पंजाब दे विच कोई नौजवान बच्चा उन्हूं कह दिए भी ननकाणा साहब जाना वो इन्ने डर चुके आ भी जे असी ननकाणा साहब बागे फॉरन कंट्री किसी च भी नहीं जा सकते जी इन्ना उन्होंने मन ला भी जे असी करा पाकिस्तान बागे साडा मुड़के किसी भी देश का वीजा नहीं लगना मैं कहना असी इन्ना कह कह के जोर ला लैने भी तुसीं पाकिस्तान चलो अपना गुरु अमरीका कनेडा का बाबे नानक ने भेजना ही होर कौन हुंदा भेजण वाला ये बाबे नानक ने भेजना अमरीका बैठे देखो 2004 दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी का साजना दिवस मनिया जी अमरीका दे विच उस वेले उस सरकार ने सब तो 13वीं मंजिल च मनाया जी वह गुरु ग्रंथ साहब जी का जब उन्हां विच इन्ना प्यार है असीं कहने भी साडे विच का तो नहीं हो सकता है ना जी ये उरे बहुत जरूरी है आना बस इन्ना क डर भजाया जाए भी उरे कोई यही जी गल नहीं भी तो गल पहुंच गई उत्थे ते हाँ जी असी फिर यह करदे आ पाकिस्तान सरकार नू भी इंडिया सरकार नू भी जेड़े वो खर्चे ने गरीबां नू चाहे कुछ सबसिडी दे दो जिवें हुण सूबे दे विच सबसिडी दे दिंदे ने गरीब नू कोई सबसिडी दे दिंदे ने वो देख के किवें ना किवें करके ये उधरले गरीब नू ये दिखाओ उरले गरीबां नू इंडिया दिखाओ जी इंडिया दिखाओ जी उहनां नू अस्सलाम अलैकुम वाह सलाम वाह इत्थे आ के तुहानू स्वाद आया कि नहीं मैं कहना जी सानू इन्ना घरों जम्मे मां बापां दा भी इन्ना सानू प्यार नहीं मिलिया जिन्ना उरों मिलिया जी धन्नवाद करते हैं पाकिस्तान सरकार दे जिवें उरे इन्ना प्यार बढ़ गया लोकां च उरे आके सानू देख के ते तुसी भी सरकारां दोए इंडिया सरकार पाकिस्तान सरकार इन्ना प्यार बनाओ ना बांटे मोहब्बते बांटे और एंजॉय करें हां पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद बोले सो निहाल कैसा लग रहा आपको यहाँ पे ये तमाम सुठो है असा फर्स्ट टाइम आए हूं असा के जाम मजो आयो आगे कदे को नया आई हूं पहली दफा असा आया सी ते अरे मेरे साथ सिंधी बोला है कि क्या बोला है क्या बोला है आपको पता नहीं नहीं मुझे सिंधी नहीं आती अच्छा हां लेकिन मुझे सिखाएंगी आप थोड़ी सी हां बहुत अच्छा सिंधी में जरा मुझे बताएं कि जी आया नु क्या कहेंगे आप जी आया नु जी असा आया हूं अच्छा जी असा आया नु वाओ अच्छा चले फिर मुझे कोई फिल्मी डायलॉग है ना वो सिंधी में करके दिखाएं मोले नू मोला ना मारे ते मोला नहीं मरदा मोला नू मोला नहीं मरदा
मौला नू मौला ना तो मरे आगे मौला नहीं मरदा मौला नहीं मरदा हाँ मौला ना तो मरे मौला बस इतना सा मतलब पंजाबी में इतना लंबा है हाँ पंजाबी बहुत लंबी है ना अच्छा फिर अच्छा उसका बताएं नवा आया है सोने हाँ नवा आया है सोने हाँ अरे पंजाब सीएम साहब आप यहाँ भी आ गए जी हम यहाँ पे मौजूद ही हैं जी इंतजाम आप देख रहे हैं सब लोगों से सुना तमा होते ही बैठा आयो खैर ता की पे क्या नहीं जरा दसना मैंने तुसी दसो ना तब अब बात करें ना जरा सिंधी में जवाब देना जरा वो नट आउट जी नट आउट के आप उधर बैठे थे एक दो हाल कैसे ऐसा पाने में पिघल आयो तवा हते छो आया आपको हम खुद बात कर रहे हैं आप क्यों आए हो इधर हम आपके इंतजाम के लिए हैं आपकी खिदमत के लिए आए हैं ऐसा तवा हते कौन कराया तवा ते ऐसा पाने में पिघल आयो ऐसा पाने में पिघल आयो असी आप ही आ जाने हैं जी कोई नाम अच्छा कोई शिकायत है कोई सीएम साहब से तो कर सकती हैं आप नहीं नहीं कोई शिकायत नहीं है हमें अच्छा सिंधी में पूछे ना जरा असा एक आप शिकायत कोने रोड से तमाम फर्स्ट क्लास है नसा सिंध में आया सी पे जबरदस्त वीआईपी रोड हुआ अच्छा कह रहे हैं कि पंजाब में सड़कें बहुत अच्छी हैं हमें कोई तकलीफ नहीं हुई सारे काम अच्छे हैं सड़कें भी अच्छी हैं चीनी भी ले रही है जी चीनी आपको लगता है आटा आटा सस्ता हुआ है महंगाई तो बहुत है करें ना कंप्लेंट में मैं बात करूंगा मैडम कोई सस्ता ही नहीं हुई नवाज शरीफ को इस वक्त तक मौजूद है यहाँ पर याद करते हैं हम सिंध वाले अच्छा। जिसने नवाज शरीफ ने जिसने काम किए हैं ना वो खुदा जानता है और हम जानते हैं सीएम साहब ये क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ हमारी जान है वो जब यहाँ पर मेला था वो खुद आए थे मैंने खुद आंखों से देखा था हेलीकॉप्टर में यहाँ पर आए थे मैं सिंध से आया हूँ हाँ वो हेलीकॉप्टर में आए थे वो आया था सीएम साहब से शहबाज शरीफ यहाँ पर विजिट करने के लिए वो जहाज पे यहाँ पर कौन सीएम आया है बोझदार आया है कौन आया है यहाँ पर ये आए तो है बोझदार साहब ये बहुत ज्यादा भाई हम तो गाड़ी पे जाते हैं जी लोग खिदमत करने की सादा तबीयत है रोटी खाना है नेते जी रोटी तमाम सुठी है नानकाना साहब जी जो खिदमत की रोटी बहुत अच्छी थी बहुत टेस्टी कह रही सारा खाना खा लिया बहुत अच्छा खाना उन्होंने अच्छा खाना खाया है वो कह रहे जो तमाम सुठो खादो है मानी सुठी है अच्छा वो मानते हैं नवाज शरीफ की सस्ताई थी बहुत सस्ताई थी आप देखो अभी डॉलर किधर चला गया है सियासत की बात नहीं करेंगे वाला हम आए हैं बाबे के मेले पे हम वो खुशियां बांटने के लिए आए क्या नून लीग क्या पीटीआई खुशियां बांटे क्या पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद बुज़दार साहब को दुबई का वीजा लगवाना है कोई लगवा के दे सकता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो वो शहबाज शरीफ था उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसके दो मिनट का काम ये वीजा लगवाने के ये दो मिनट का काम वो तो अभी वीजा लगवा के जेल में जाएंगे वो तो इस दफा जेल में एक भाई बाहर बैठा है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा दूसरा भी अंदर जा रहा है सर आप बताएं कौन सी करप्शन उसकी पकड़ी है और कौन सी मीडिया के सामने अच्छा चले बुज़दार साहब सारी बातें छोड़े ये आटे का तोड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारे भाई हमें बाहर भेज रहे हैं जी मैं भेजूंगा ये आटे का तोड़ा पड़ा है ये आटा पड़ा ये देखिए चीनी बहुत वापस मुझे बताएं कि ये इसकी पंजाब में पंजाब में बुज़दार साहब इसका न्यू पंजाब लाहौर न्यू पंजाब ये देखिए ये सीएम का पंजाब है ये सामान बाजार का पंजाब है ये नया पाकिस्तान के साथ नया पंजाब का जुबान है सारी डिटेल दो तारीख कितने में ये देखिए पंजाब बस बस मैं जा रही हूं मैं जा रही हूं मैं जा रही हूं सिंध में महंगाई है पंजाब में नहीं है पंजाब में कैसे अभी जाते जाते हमारी मुलाकात यहाँ पे होगी हमारे कौमी हीरो से महेंद्र पाल सिंह जो कि पेशावर जलमी की तरफ से खेलते रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप जी वालेकुम सलाम और जी आया हूँ वेलकम टू गुरुद्वारा साहब बहुत शुक्रिया आपका मैंने सुना है कि आपको फखरे पाकिस्तान भी कहा जाता है जी बिल्कुल और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि लास्ट ईयर 23 मार्च पे और मुझे DGISPR की तरफ से और आर्मी चीफ की तरफ से जो मुझे अवार्ड मिला वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड था तो वो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है क्योंकि मैं सिख कम्युनिटी के से की तरफ से पहले ही था जो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज हमने पेश किया और नेशनल लेवल पे मैंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान की तरफ से ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह और मुझे बताएं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके
जी हर क्रिकेटर का एक ख्वाब है, एक शौक होता है कि वो अपने मुल्क की तरफ से खेले और इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट ईयर पेशावर ज़ल्मी के साथ था, प्रैक्टिस मैचेस खेले, बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिली, तो अभी यही कोशिश है कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बना सकूँ। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइए कि सिख कम्युनिटी की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है, लोग आपको कैसा अप्रिशिएट करते हैं, कुछ कहते हैं? जी बहुत खुश होते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा एक सिख लड़का भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, चूँकि डिफरेंट फील्ड में आप देखेंगे जिस तरह आर्मी में है, रेंजर्स में है, वहाँ पे सिखों ने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, लेकिन वाहिद एक खेल का एक ऐसा मैदान था कि जहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन जो थी वो खाली रह गई थी, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और अपने मज़ीद अपने लड़कों को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है ये हमारा मुल्क है और हमने इसको रिप्रेजेंट करना है और दुनिया को ये बताना है कि बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग इस मुल्क के एक नेशनल होने के नाते हमने पाकिस्तान को सर्व करना है और जो भी हो सके इस मुल्क के लिए हमने करना है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात की है। आज के इस इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कैसा आपको लगा ये सारा जो अरेंजमेंट है यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से? जी, और मैं पूरी दुनिया को बाबा गुरु नानक जी के 552 जो जन्म दिहाड़ा है उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि बाबा नानक जो है सिर्फ सिख कौम के नहीं है, वो पूरी दुनिया के सांझे हैं और जो उनका मैसेज है कि किरत करो, वन छको और नाम जपो, तो ये जो मैसेज है पूरी इंसानियत के लिए। गुलजार साहब यहाँ भी आ गए, ओ माय गॉड, गुलजार साहब आपको पता ही कौन है? जी जी, हमारे गुलजार साहब है और अच्छी तरह हम जाते हैं। आपने पहचान लिया इनको? जी जी, अब सब ये हमारे पाकिस्तान के एक ऐसे चेहरे हैं, कुछ आप हो गए, बाकी जो मीडिया के चेहरे हैं तो सबको हम पहचानते हैं और उनको फॉलो करते होते हैं। देखा जी, आवाम की मोहब्बत हमारे साथ। ये आवाम नहीं, हमारे हीरो हैं। हम हीरो आवाम ही होती है, आवाम हीरो, हीरो आवाम, एक ही बात है। आप तो बात को बढ़ा लेते हैं। आपको कोई इनसे कोई शिकायत है, कोई मसला तो बयान कर? नहीं, हमारे जितने भी हैं सारे प्यार मोहब्बत करते हैं यहाँ पे, और स्पेशली अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में जिस कौम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की जाती है ना, तो वो सिख कौम है। आप उसकी एग्जाम्पल करतारपुर कॉरिडोर से ले सकते हैं, आप उसकी एग्जाम्पल आज यहाँ पर दे सकते हैं कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, और स्पेशली मैं क्रेडिट देना चाहूँगा पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने जिस तरह से इंतजाम किए और जुलूस की शक्ल में जो यहाँ से हम जुलूस निकालते हैं रात को, फिर यहाँ पर आतिशबाजी होगी, तो आप इसकी एग्जाम्पल एक बहुत अच्छी दे सकते हैं। और मैं इनको एडवाइज करूँगा कि ये कबड्डी खेला करें, कबड्डी खेलें, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेटर हैं। अच्छा जी, हाँ जी, अब आप ये ना प्लीज पूछेगा कि क्रिकेट क्या होती है, वो कैसे खेलते हैं जी, जरा बताएं। जी वो लड़कियों वाले खेल हैं जी, कबड्डी खेला करें, कबड्डी पहलवानों का खेल है वो, जरा एक स्टाइल तो करके दिखाएं, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। इनका कोई हाल नहीं है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह सब भी इस तरह के जो प्रोग्राम है, चाहे दिवाली के हैं, चाहे बाबा नानक का जन्मदिन है, चाहे ईद है, वो सब आपस में एक दूसरे के साथ मनाएं, मोहब्बतें बांटें। ये पाकिस्तान सांझा है, इसके जो परचम है, इस परचम के साये तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, और आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तान पाइंदाबाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट, ये था आज का मेरा वीलॉग, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मैं अपना फीडबैक ज़रूर देना चाहूँगी। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और हुकूमत पंजाब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, हर चीज़ जो है प्रॉपरली अरेंज थी, और जितने भी लोगों से मैं यहाँ मिली हूँ सब ने मुझे यही कहा कि बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं, और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है, और CM साहब से भी मिलने का मौका मिल गया मुझे। ये देखा है जी आपने, आवाम कितनी मोहब्बत करती है हमारे से। मैं कहती हूँ ठाठे मारता हुआ समंदर था जो आपके लिए प्यार था लोगों के दिल। हाँ जी, आप तो ये टीवी पे दिखाते ही नहीं हैं जी। आप तो हर वक्त तो बुरी खबरें चलाते हैं। ये है आवाम, ये है हमारी खिदमत, ये हमारा काम। बुज़दार साहब ठीक है, अच्छा अच्छा, अब मैं जाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, आप अभी कहाँ जाएंगी जी, अभी आप इधर रुके हैं, कुछ बातें करनी है अभी तो। अच्छा बुज़दार साहब, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, बुज़दार साहब नहीं हटने वाले। फ्रेंड्स, मैं यहाँ से आपसे इजाजत चाहूंगी, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।